जैसे जैसे प्रदेश में कोरोना पर काबू पाया जा रहा है, उसी के साथ अब अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें सिटी ट्रांसपोर्ट को चालू किया गया है, साथ ही मेट्रो को चलाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी के मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला मौजूद हैं। लोकेश, मेट्रो चलाने की स्वीकृति दे दी गई है, अब किस प्रकार से मेट्रो का संचालन किया जा रहा है, क्या एहतियात यहां पर बरते जा रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो ट्रेनें यहां पर चलाई जा रही है? देखिए आशीष, महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉकडाउन के बाद में अब अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है, तमाम तरह की राहत दी जा रही है। इसी में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट को शुरू किया गया, साथ साथ जो मेट्रो को शुरू करने की सरकार की ओर से अनुमति मिल चुकी है, लेकिन आज राजधानी जयपुर में मेट्रो का संचालन नहीं किया जा रहा है। मेट्रो की ओर से कहा गया है कि अभी उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, छुट्टियों पे स्टाफ गया था, टेक्निकल स्टाफ को भी छुट्टियों पे भेजा गया था, लेकिन अब जो सरकार की ओर से देर रात जो अनुमति मिल चुकी है, उसके बाद में ही आज पूरी रूपरेखा वो तैयार की जाएगी। अब हम मौजूद हैं मेट्रो स्टेशन चांदपोल पर, जहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये चांदपोल मेट्रो स्टेशन का जो प्रथम गेट है, जहाँ पर अंदर एंट्री की जाती है, जो यात्री है वो अंदर जाते हैं, लेकिन शटर को नीचे डाउन किया गया है, साथ साथ जो केवल जो कर्मचारी है उन्हीं को आने की अनुमति दी गई है। साथ ही जो तमाम जो स्टाफ वो अब एक बार फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जयपुर मेट्रो स्टेशन के जो हालात है अभी भी उसी तरह है जिस तरह से लॉकडाउन में रहे, क्योंकि केवल जो सुरक्षा कर्मचारी है, सुरक्षा के जवान है, वो ही यहाँ पहुँचे हैं, साथ साथ स्टाफ भी पूरी तरह से अभी नहीं पहुँचा है। जिम्मेदारी जिस तरह से जो मेट्रो प्रशासन की है, क्योंकि प्रबंधन की ओर से जिस तरह से कोरोना संक्रमण जिस तरह शुरू हुआ और सरकार की ओर से गतिविधियाँ बंद की गई थी, उस दौरान मेट्रो का संचालन भी बंद किया गया था, लेकिन सवाल ये होता है कि जब संक्रमण कम हो गया था, वो सरकार की ओर से अनुमति दी गई थी कि जो तमाम जो स्टाफ है वो धीरे धीरे लगातार पहुंचे, लेकिन अभी तक जो रेलवे की जो मेट्रो की ओर से जो स्टाफ को छुट्टियों पे रखा, साथ साथ जो जिम्मेदारी यहाँ पर मेट्रो की ये भी बनती है कि समय पर स्टाफ को बुलाते, तमाम जो तकनीकी खामियां उनको पूरा करते और सरकार की अनुमति के बाद में आज से मेट्रो का संचालन शुरू होता, लेकिन आज मेट्रो का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। जिस तरह से हमने अधिकारी से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो पर्याप्त स्टाफ वो यहाँ नहीं पहुँचा, आज स्टाफ को बुलाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, साथ साथ जो पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरह से मेट्रो का संचालन होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो स्थिति देखते हुए और आगामी जो कोरोना की लहर को देखते हुए ही तमाम प्रोटोकॉल है उसका पालन करने का जो अनिवार्यता जो मेट्रो की होती है उसको लेकर भी पूरी तरह से सुनिश्चित आज बरती जाएगी और उसी के आधार पर गाइडलाइन मेट्रो की ओर से अलग से जारी की जाएगी, जिसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए अनिवार्यता दी जाएगी, साथ साथ जो किस तरह से उसको सैनिटाइज करने का काम रहेगा, यात्रों को किस तरह से जो मेट्रो के अंदर यात्रा करने की अनुमति वो दी जाएगी, इन सब बातों को लेकर आज अलग से गाइडलाइन जारी होगी। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि मेट्रो की ओर से पहले कोई विशेष तैयारियां नहीं थी मेट्रो संचालन की, सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई और आज से शहर में जो सिटी ट्रांसपोर्ट बसें हैं वो शुरू कर दी गई, मेट्रो का संचालन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में जो यात्री है उनका भी इंतजार यही था कि जयपुर की मेट्रो खुलेगी और जो सिटी में आने वाले जो लोग हैं वो मेट्रो के जरिए अपना यात्रा करेंगे और समय पर ऑफिस दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन मेट्रो प्रशासन की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखी गई है कि उसने पूर्वतः किसी भी तरह की तैयारियां नहीं की गई, उसी के चलते आज पूरी जो जयपुर की जनता को इस तरह से जो बात करें तो निजी वाहनों में और जो अन्य वाहनों के जरिए यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि मेट्रो का संचालन आज नहीं हो पाया। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है कि किस तरह से वो उसको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए और उसी तैयारी के अनुरूप ही उनको आज से ही मेट्रो का संचालन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अधिकारियों का एक जो दो टूक जवाब यही है कि देर रात गाइडलाइन जारी हुई और पूरी तैयारी नहीं थी और इसी तैयारियों की वजह से ही वो आज मेट्रो का संचालन नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर कही जा सकती है। जिस प्रकार से रोडवेज को संचालित करने का आदेश सरकार ने दिया था, रोडवेज अगले दिन से चालू हो गई थी, वहां पर भी कर्मचारियों को बुलाया गया था, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मेट्रो मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी यहां पर देखी गई है। लेकिन अब जनता क्या उम्मीद करे, कब से मेट्रो का सफर शुरू होगा, कल परसों कितने दिन इसमें लगने वाले हैं, कब तक इनके कर्मचारी आने वाले हैं?
देखिए अधिकारियों का कहना है कि कल से मेट्रो का संचालन शुरू होगा और उसी अनुरूप होगा जिस तरह से गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मेट्रो की जो कैपेसिटी है उसको भी कम किया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। साथ ही साथ यात्रियों को कोरोना से बचाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेट्रो प्रशासन की होगी उसका भी सुनिश्चित से ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ में जो कर्मचारी होंगे उनको भी पूरी तरह से सावधानी रखनी होगी कोरोना प्रोटोकॉल की, और साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण यह होगी कि किस तरह से गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाएगा, मेट्रो को किस तरह से सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। इन सब को लेकर आज रूपरेखा तैयार होगी और कल सुबह से ही 6 बजे से मेट्रो का संचालन है वो शुरू होने की जो उम्मीद अभी लगाई जा रही है। अधिकारियों का भी यही कहना है कि कल से मेट्रो का संचालन शुरू होगा, लेकिन एक दिन की जो लापरवाही रही है और जिसमें मेट्रो का भी घाटा है, साथ साथ जो कर्मचारियों का को पहले से नहीं बुलाया गया और कोऑर्डिनेशन की जो कमी यहाँ पर देखी गई है, जिसका खामियाजा राजधानी जयपुर की जनता को उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बसों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, सीट टू सीट बसें यात्रा करवा सकती है लोगों को, तो ऐसे में क्या मेट्रो की ओर से भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है 50% लोगों को यात्रा करवाई जाएगी या फिर जितनी सीटें हैं उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाएगी मेट्रो में बैठने के लिए? देखिए अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई, लेकिन आज जो नई गाइडलाइन है मेट्रो की ओर से बनाई जाएगी, जिसमें यही कहा जाएगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी और जो यात्रियों का जो बाहर है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ जो जिसे बड़ी चौपड़ तक मानसरोवर मेट्रो स्टैंड से बड़ी चौपड़ तक जो मेट्रो का संचालन हो रहा है, इस दौरान जो लोगों को, क्योंकि शहर से बाहर जो बाहरी क्षेत्र में जाते हैं और यात्रा करते हैं मेट्रो के अंदर, तो उस दौरान भी कोरोना का प्रोटोकॉल किस तरह से रहेगा, इस मैनेजमेंट के साथ साथ में जो कर्मचारियों को किस तरह से जो ड्यूटी पर पहुंचना होगा, इन सब बातों को लेकर आज नई मेट्रो की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। अधिकारी निर्देश देंगे और उसके बाद में ही जो मेट्रो के कर्मचारी है वो भी काम पर लौटेंगे, क्योंकि अधिकांश जो कर्मचारी जिसमें टेक्निकल कर्मचारी है वो अभी भी छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे में जो आज बात की हमने अधिकारियों से, तो उनका दो टूक यही जवाब रहा है कि देर रात गाइडलाइन आई है और तैयारियां पूरी नहीं थी, साथ साथ जो कर्मचारी थे वो छुट्टियों पे गए हुए थे, ऐसे में जल्दबाजी में मेट्रो का संचालन नहीं हो सकता है, और यही जवाब देते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है। लेकिन जो कर्मचारियों को अधिकारियों को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए था कि जब संक्रमण कम हो चुका है तो उस दौरान कभी भी मेट्रो के संचालन की जो अनुमति है वो राज्य सरकार की ओर से मिल सकती है, और उस अनुमति के बाद में ही जो मेट्रो का संचालन वो तय समय पर शुरू किया जाएगा। लेकिन तय समय पर शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आज से ही मेट्रो का संचालन शुरू होना था वो नहीं हो पाया। अब कल के लिए कहा जा रहा है कि कल से मेट्रो का संचालन है वो तय समय से शुरू हो जाएगा और कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल है उस दौरान ध्यान में रखा जाएगा। जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, कोरोना संक्रमण से बचाने की बात की जा रही है, जिस प्रकार से आज टूरिस्ट प्लेस पे बात की जा रही है कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ऐसे में मेट्रो की तरफ से क्या स्मार्ट कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या वहां पर कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा वहां की व्यवस्थाएं उनको मजबूत किया जाएगा, इस प्रकार की कोई तैयारी मेट्रो प्रशासन की? बिल्कुल, जिस तरह से आशीष बिल्कुल आपने सही कहा कि स्मार्ट कार्ड और कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की जो महत्वपूर्ण जो काम है वो मेट्रो से लगातार लंबे समय पहले से ही ऐसा किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड लगातार मेट्रो की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को लुभाने के लिए या फिर लाभ देने के लिए अतिरिक्त जो छूट है वो भी दी जाती है। साथ ही साथ जो स्मार्ट कार्ड के जरिए यात्रा करने में किसी तरह की जो ट्रांजेक्शन की जो जरूरत नहीं होती, लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल किसी तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी नहीं की गई, दिशा निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन पहले से ही मेट्रो की ओर से स्मार्ट कार्ड को लेकर अनुमति दी गई है। लेकिन जिस दौरान बीच के पीरियड में जब तकरीबन 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है जहाँ मेट्रो का संचालन बंद है, ऐसे में उस पीरियड के दौरान जो काम में नहीं आए जो कार्ड है और जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है उनको बढ़ाने के लिए जो निर्देश है वो दिए जा सकते हैं भविष्य में, जिस तरह से रोडवेज की ओर से जो मासिक पास है, द्विमासिक पास है, त्रैमासिक पास है उनको अनुमति दी गई है, उसी तरह जो मेट्रो की ओर से जो पास जारी किए जाते हैं या फिर जो स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं उनमें भी इस तरह की छूट है वो दी जा सकती है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, मेट्रो स्टेशन से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आज
मेट्रो का संचालन शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि स्टाफ की कमी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल से राजधानी की मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी।